तो गाइस ये देखिए कितना सारा पेटा है यहाँ पे, बहुत सारा पेटा है और इनको ना बेल से काट के रखा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। तो फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ यहाँ कद्दू इकट्ठा करने, क्योंकि अब हमारे पहाड़ों में कद्दू का सीज़न शुरू हो गया है। मैं कद्दू इकट्ठा करने आई हूँ, तो कुछ सब्जी के कद्दू है, कुछ टमाटर भी लगे हैं पकने थोड़े थोड़े, ये कुछ चेरी टमाटर हो रहे हैं येलो येलो, कुछ सब्जी के कद्दू है, कुछ मीठे कद्दू है, कुछ पेठा है। तो आजकल हमारे यहाँ पे इनका सीज़न चला है, मतलब ये हम अपने लिए इकट्ठा करके रखते हैं सर्दी के लिए। और ये कद्दू है, ये सर्दी में ना बहुत अच्छे लगते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है तो गर्म भी होते हैं और मीठे होते हैं खाने में, बॉयल करके इनको बहुत खाते हैं सर्दी में, तो ये हम बॉयल करके ही खाते हैं। तो ये वाले कद्दू ना अब सब्जी के लिए बहुत अच्छे छोटे छोटे कद्दू है, तो ये मीठे वाले कद्दू है। तो गाइस ये पेठा लेने आई हूँ मैं, ये नरम वाला पेठा है और यही मेरे काम का है। ये बिच्छू बूटी लग गई, पेठे तो बहुत सारे हैं पर ये नरम वाला पेठा ही मेरे काम का है। इसे मैं क्या बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अब सर्दी का मौसम आ गया है तो अब हमारे यहाँ पे ग्रीनरी भी ख़त्म और सब्जी फल अनाज सब ख़त्म। अब ये चीज़ें मिलेगी आगे जब दोबारा से स्प्रिंग सीजन आएगा तब यहाँ। तो गाइस ये देखिए कितने बड़े बड़े कद्दू है, मीठे कद्दू। इसमें इतने जैसे ही ले पा रही हूँ यहाँ से, फिर मैं बाद में ले जाऊँगी। मैं घर लेके जा रही हूँ, तो मुझे दो चक्कर में ही आना पड़ेगा, एक चक्कर में बहुत भारी है तो सेकंड चक्कर में और आना पड़ेगा। ये कम से कम 25 किलो मैंने ये उड़द डाले थे भिगोने को, छिलके वाले उड़द, आप चाहो तो बिना छिलके वाले भी डाल सकते हैं पर इसमें ज़्यादा स्वाद होता है, तो बढ़िया बनाने के लिए छिलके वाले उड़द ही डाले जाते हैं। सेपू बड़ी हो चाहे दूसरी बढ़िया हो, रेठे वाली, रेटा मतलब पेठे वाली हमारे लोकल लैंग्वेज उसको रेटा बोलते हैं। तो मैं दोनों तरह की बढ़िया ही बनाऊंगी, सेपू बड़ी भी बनाऊंगी, किस तरह से बनाते हैं मैं पूरा बताऊंगी, और दूसरे वाले भी जो पेठे वाली बनेगी। ये मशीन फिट करती है, पहले मैं इससे छिलके निकालूंगी। तरह से छिलके अलग कर दिए मैंने मशीन से, अब इनको धोना है ताकि ये इसके जो काले काले छिलके हैं वो सारे निकल जाए। तो वैसे देखिए कितना छिलका निकल गया है, अगर इसमें थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है इसको, थोड़ा थोड़ा रह जाए कोई दिक्कत नहीं अभी तो। गाइस इतने सारे छिलके निकाल दिए, अब थोड़े थोड़े रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने क्लीन तो होते भी नहीं है ये, ज़्यादा क्लीन कर भी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर एक एक ऐसे ऐसे करके निकालने पड़ेंगे ना, तो इतना तो चल पड़ता है।
उड़द भिगोए थे और उनको पीस लिया है, तो बड़ियों के लिए ये पूरी तरह से फूल गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको फूलने के लिए रखा था। कल शाम को मेरा ये तैयार हो गया था। अब इसमें जो ये पेठा है तो इसकी बढ़िया बनेगी, तो मैं इसको खेत से लेकर आई हूँ, पेठा दो पेठे लेकर आई हूँ, तो मैं इसकी बढ़िया बना रही हूँ। तो चलिए गाइस बताते हैं आपको कैसे कैसे बनाते हैं बढ़िया। इसके छिलके उतार दिए हैं और अंदर से ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, तो मैं इनको नहीं उतारूंगी। मैंने ये कद्दूकस ले लिया है, अब मैं इसे कद्दूकस करूंगी सबसे पहले, तो फिर आगे मैं बताती हूँ कि और क्या करना है। तो गाइस ये देखिए मैंने इसे रस भी निकाल दिया जो इसे निकलता है निचोड़ के। मैंने छन्नी की हेल्प से, बड़ी छन्नी की हेल्प से इसका जो पानी था वो सारा निचोड़ दिया। अब जो ये पेस्ट बना है उड़द का ये डालूंगी इसमें, मिक्स करूंगी और साथ में इसमें एक एक दो प्याज डालूंगी। और मेरे पास लहसुन तो ख़त्म है, नहीं तो इसमें आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने कद्दूकस किया है, प्याज भी, और इसमें अब जो हरी मिर्च है वो डालूंगी और साथ में हींग पाउडर डालूंगी। तो मैंने सबसे पहले जो ये ट्रे ली है, राइस ट्रे, तो इस पे मैंने सबसे पहले नीचे थोड़ा सा सूखा आटा डाला है ताकि नीचे ना चिपके ये बढ़िया। फिर मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से बढ़िया बना रही हूँ, क्योंकि ये आटा थोड़ा ढीला हो गया था जो भी मैंने मतलब ये मिक्सर बनाया था, शायद इसमें प्याज का रस भी रह गया था क्योंकि मैंने प्याज का रस नहीं निचोड़ा था, और ये थोड़ा उड़द भी फूल गया था, ज़्यादा ही फूल गया था। तो ये देखिए इस तरह से बन रही है, फिर इसको सुखाएंगे, इस तरह से बन रही है। तो ये मेरा खुद का तरीका है, क्योंकि मैंने डाला है उड़द पेठा पीस के और कद्दूकस करके, साथ में प्याज और छोटी छोटी मिर्चें डाली है, ग्रीन मिर्चें, और साथ में इसमें काली मिर्च भी डाली है और हींग भी डाला है, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाला है, तो ये सब मसाले डाले। तो ये अभी इस तरह से है, बाद में सूखे बहुत अच्छी आएगी। तो गाइज ये मेरी बढ़िया हो चुकी है तैयार, अब इनको लगानी है धूप, दो तीन दिन में धूप में सूख जाएगी, तो फिर मैं इनको किसी एयर टाइट डब्बे में रख लूंगी। और सर्दी में जब भी कुछ भी बनाना होगा, कुछ भी रेसिपी, जैसे कि आलू की सब्जी, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में हम इसको क्या बोलते हैं कढ़ी में यूज कर सकते हैं, कढ़ी इसकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और इसमें मसाले जो मैंने बताए हैं, मैंने सिर्फ वही मसाले डाले हैं, और इसे ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।